दोस्तों ये जो साइट है वो एयरटेल की साइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो है यहाँ पर सोलर को इंस्टॉल किया था, तो उसका जो पावर कनेक्शन था वो भी पेंडिंग था, तो इसलिए हम यहाँ पर आए थे। आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ आउटडोर यूनिट यहाँ पर लगा हुआ है और हमने अलग से जो है रैंक को इंस्टॉल किया है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर फ्यूज आपको जो दिखाई दे रहा है उसे मैं निकाल लेता हूँ ताकि स्पार्क ना हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ इस फ्यूज को। फ्यूज रहता है तो क्या होता है, थोड़ा सा स्पार्क होता है, इसलिए शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्यूज को निकाल लिया और यहाँ पर जो ये दिख रहा है आउटडोर यूनिट, यहाँ पर हमने 50 के केबल दो डाले हैं रेड ब्लैक, तो उसका जो कनेक्शन हमें यहाँ पर करना होगा। इसका जो कनेक्शन है वो पीछे की तरफ लगेगा, लेकिन पीछे क्या दिक्कत है कि यहाँ पर जो है ये दरवाज़ा पूरा खुल नहीं रहा है, यहाँ पर अटक रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये जो आउटपुट है उसे लगाने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो चलिए सबसे पहले मैं देखता हूँ किस तरह से लगा सकता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं पीछे की साइड जो है इसे कनेक्शन लगाना पड़ता है, तो पीछे तो पता नहीं अब कैसे लगा पाऊँगा, क्योंकि लगाना तो पड़ेगा आउटपुट, वरना कैसे इसमें इनपुट होगा। तो सबसे पहले जो ब्लैक वाला मैं यहाँ पर लगाने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल पीछे है, पीछे की तरफ जो है हाथ डालना भी मुश्किल है और कनेक्शन जो है पीछे की तरफ यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने बोल्ट तो डाल दिया है, अब धीरे धीरे जो है मैं कनेक्शन यहाँ पर लगाने की कोशिश करता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैंने जो है यहाँ पर कनेक्शन तो लगा दिया, अब यहाँ पर मैं फ्यूज लगा लेता हूँ ताकि जो सबसे पहले मैं पावर चेक करूँगा कि पावर पूरा आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने फ्यूज को लगा दिया है यहाँ पर, और अब जो है इसका आउटपुट चेक करेंगे। लेकिन इससे पहले जो है MCB को मैं ऑन कर लेता हूँ। ये जो है सोलर का जो पावर आता है आउटपुट वोल्टेज, उसको कट ऑफ करने के लिए यहाँ पर MCB लगी हुई है। तो MCB को मैंने यहाँ पर चालू कर दिया है, आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ है। और यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन केबल लगा हुआ है, ये जो है पूरा जाएगा बगल में, अलग से लगाया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसको भी जो है मुझे पीछे लगाना पड़ेगा तभी ये जो है कम्युनिकेट करेगा, वरना कम्युनिकेट नहीं करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी सोलर का जो वोल्टेज है वो जीरो दिखा रहा है, हमने पावर चालू कर दिया फिर भी। लेकिन यहाँ पर जो कम्युनिकेशन केबल है उसे लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी सी पिन। यहाँ पर जो है मैंने कम्युनिकेशन केबल को लगा दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज भी शो हो रहा है। तो सबसे पहले मैं अंदर जाके भी चेक कर लेता हूँ कि अंदर पूरा वोल्टेज आ रहा है या नहीं। तो दो मॉड्यूल लगे हुए हैं, दोनों को मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ कि कितना वोल्टेज आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वाला मॉड्यूल है जिसमें भी वोल्टेज आ गया, और ये जो है ये दूसरे वाला है, तो दोनों में परफेक्ट वोल्टेज आ चुके हैं। तो इस तरह की कुछ साइट थी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हमारा काम जो है ख़त्म हो चुका है और हम जो है अब यहाँ से निकलते हैं। तो चलिए फिर कभी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।